नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। मैं हूं वैशाली चौधरी। एक बार फिर से हम आज कृषि मंत्री जेपी दलाल के पास आ चुके हैं, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से हालात फिर से बन रहे हैं और जिस तरह से किसान एक बार फिर से उग्र होते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में सरकार का क्या रवैया रहेगा, क्या कुछ सोचा है, इस पर बात करना खासतौर पर कृषि मंत्री से जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत पीटीसी न्यूज़ में आपका सर। सर, आज जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, शनिवार है आज, और जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं प्रदेश में, पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे, क्या चल क्या रहा है अभी फिलहाल? देखिए वैशाली जी, इस विषय पे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। जी जी, लेकिन चूंकि ये ताज़ा है आपके चैनल पे भी कई बार मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं, और मैं खुल के बता चुका हूँ कि ये जो आंदोलन था, भय करके, डरा के, भ्रम में डाल के खड़ा किया गया था। और शुरू में आम किसानों में मैं रहता हूँ, उनको ये भय दिखाया गया कि मंडियाँ टूट जाएंगी, MSP ख़त्म हो जाएगी, बड़े बड़े सेठ साहूकार आपकी ज़मीन छीन लेंगे। ये सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है जी। इस देश की कृषि को मंडियों के माध्यम से कुछ व्यापारियों ने सारा जकड़ रखा था। एक मंडी के माध्यम टेरिटरी होती थी, उसमें 20-30 गांव हैं, टैक्स की परंपरा थी, और किसी को लाइसेंस नहीं मिलता, उन व्यापारियों की मोनोपोली थी, उनसे बाहर कोई ना खरीद सके ना बेच सके। आंदोलन की शुरुआत जो है, मुझे लगता है कि उनके मोटिवेशन से हुई। बाद में इसमें तरह तरह के अपने जिनके हित साधक थे, राजनीतिक लोग थे, राजनीतिक पार्टियां थी, किसानों के अपने आप बने हुए नेता थे, वो इसमें घुस गए। और अब ये ज़्यादातर किसान इस आंदोलन की चीज़ों को समझ चुके हैं, उन्होंने देख भी लिया है कि मंडियां खूब चली हैं, MSP पे खरीद भी हुई है, किसानों को सीधा पैसा आया है, और जो बताया गया था उनको वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, हाँ? लेकिन प्रदेश में अस्थिरता का जो माहौल है वो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, बात ये है कि ये इसका भी तो कुछ उसका वो मैं बता रहा हूँ कि इसका जो करने वाले हैं इन किसान नेताओं का धीरे 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 तो धीरे इनको तो समझाना पड़ेगा सर, इस तरह कब तक चलेगा? किसान हम किसान समझ रहे हैं, किसान समझ रहे हैं, आम किसान समझ गया है। अब कांग्रेस को, कम्युनिस्ट को, या दूसरी राजनीतिक पार्टी को, या स्वयंभू किसान नेता को कुर्सी चाहिए, कुर्सी की लड़ाई लोकतांत्रिक मतलब तरीके से। मतलब तो ये हुआ सर कि वो लोग किसान या जो भी हैं, जिनकी भी बात आप कर रहे हैं, वो उनकी बात ज्यादा मान रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे। नहीं, तो किसान कहाँ मान रहे हैं, इस देश के अंदर है, हरियाणा के अंदर करोड़ों किसान है। तो फिर ये जो सड़क, मेरी बात सुनो, सड़क पे आज आप लोकतंत्र के अंदर आज इलेक्शन करवा लीजिए। आज पंजाब में, हरियाणा में 5 करोड़ किसान है, कोई भी पार्टी वोट लेती है, 2 करोड़ लेती है, 3 करोड़ दूसरी पार्टी में बट के चले जाते हैं। अगर वो पहले दिन ही कह दें कि हमारे तो किसी मुद्दे पर कर देगा, हम सड़क पर रास्ता रोक देंगे, 100% तो किसी को मैंडेट नहीं मिलता। नहीं, वो ठीक है, किसी भी देश में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में 100% किसी को नहीं मिलता। लेकिन कोई आदमी ये कहे कि नहीं, ये कुर्सी हमारी है, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी या उसका खानदान कहता है कि ये कुर्सी हमारी है प्रधानमंत्री की, उसको मंजूरी नहीं है, उसको हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, कभी EVM पे उंगली उठाते हैं। नहीं, अगर आप कह रहे हैं, मुझे बताइए कि कितनी बार कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे उंगलियां उठाई, कितनी बार झूठे भ्रम फैलाए, कितनी बार नकली ढोंग के ट्रैक्टर चला चला के हमारे यहाँ बाजरा बिकता था 2150 रुपये में, पंजाब में 1200 में बिकता था, जहाँ उनकी सरकार है राजस्थान में 1200 में बिकता था, उस ट्रैक्टर को हरियाणा के अंदर से घुमाए, पंजाब दिखाई नहीं दिया उसको, राजस्थान दिखाई नहीं दिया। किसान को आगे करके राजनीति करना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस किसान की हालत अगर ख़राब है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वही तो बात है, वही जिम्मेदार है जो आज कुर्सी हड़पना चाहते हैं, उन्होंने ही किसान का शोषण किया है। आप समझा नहीं पा रहे हो। नहीं, हम समझे हुए हैं, तो फिर ये समझे हुए हैं। मैं हम किसान हाँ एक चीज़ है कि किसान भारत को कांग्रेस मुक्त होने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा, अभी 0 नहीं हुए, अभी आखिरी जो लो है उनकी जल रही है। कहीं आप देख लीजिए बंगाल में क्या हुआ कांग्रेस के साथ, 0 पे आए। जो चलिए बंगाल की बात करेंगे तो बहुत नहीं, जो जो सरकार बनाती थी, जिसकी सरकार होती थी इस पार्टी में, 0 पे आती है क्या?
उनको लोग समझे हुए लोग ही लोग इसको छोड़ दीजिए, ये जो आज का जो सारा हो रहा है उसमें इनेलो बहुत बड़ा पार्ट अदा कर रहा है। इनेलो तो छोटा सा है वो तो, लेकिन वो छोटे अगर आप छोटा कह रहे हैं, हरियाणा के पूरे प्रदेश भर हरियाणा के अंदर ये किसान आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा रोल है। इनेलो का आज जो है प्रदेश व्यापी प्रदर्शन, उस पर क्या कहेंगे ये बताइए, कांग्रेस छोड़ दीजिए। इनेलो का तो कोई मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कोई अस्तित्व है ही नहीं, अस्तित्व नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश भर में आज उन वो किसानों के साथ मिलके प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे, मेरी बात सुनिए, बहुत सारे आदमी अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, कोई खाप के नाम पर, कोई किसान के नाम पर, कोई राजनीतिक पार्टी के नाम पर है, लेकिन उनको एक चीज समझ में नहीं आती। इस आंदोलन में कहते हैं कि हम जो फैसला करेंगे वही सही होगा, हम रास्ता रोकेंगे, हम बीजेपी जेजेपी वाले को नहीं आने देंगे, गांव में नहीं घुसने देंगे, जनप्रतिनिधि को उसके घर में नहीं जाने देंगे, ये कैसा आंदोलन? बिल्कुल, मैं मुझे, इस पर मुझे एक चीज बताइए, उनको सारे अधिकार हैं और हम जो चुने हुए आदमी हैं हमें कोई अधिकार नहीं है, हमारे अधिकारों को वो छीन रहे हैं। हमारी पेशेंस को, हमारी गंभीरता को देखिए कि सब कुछ 6 महीने से हम इन चीज़ों को शांति से झेल रहे हैं। हम यही कहते हैं भाई आंदोलन करिए, आप शांतिपूर्वक तरीके से करिए, कानून हाथ में ना लें, अपनी बात उठाते रहिए, कोई नहीं रोकता, आपको अधिकार है, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं आप उसको मारोगे, आप उसके घर में घुस जाओगे, मैं इस पर भी आऊंगी, ये नहीं कर सकते। जी जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, क्योंकि ये जो आपने मुद्दा उठाया उस पर भी बात करनी जरूरी है। जनप्रतिनिधियों का जिस तरह से, खास तौर पर बीजेपी और जेजेपी के प्रतिनिधियों का, उनके नेताओं का जिस तरह से विरोध हो रहा है इन दिनों, उस पर भी बात करनी जरूरी होती है कि आखिर क्यों इस तरह से हो रहा है, किस बात पर इतनी ज्यादा नाराजगी और कहां पर सरकार चूक रही है। तमाम सवालों के साथ हम वापस लौटेंगे, आप कहीं ना जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में स्वागत है आपका, कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ हैं। इन दिनों प्रदेश में आए दिन हम सर ये देख रहे हैं किसी न किसी विधायक का, किसी नेता का, जनप्रतिनिधि का, मतलब डिप्टी सीएम से लेके हर किसी का, भी हालिया जो हुआ है वो देवेंद्र बबली के साथ हुआ है कि उनका मतलब विरोध तो हो ही रहा, हालांकि उन्होंने भी कुछ ऐसा गुस्से में आकर कुछ कह दिया था जिसके प्रति किसान नाराज़ हो गए और अब उनसे माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। ये चीज़ें भी सामने आ रही कि देवेंद्र बबली भी अकेले पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, और उन्होंने ऐसा कहा है कि गुस्से में निकल गया, तो क्या कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी आवेश में आकर कभी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से चीज़ें, और मतलब कहते हैं ना कि चिंगारी के से मतलब आग फैलती है, वैसा कुछ हो रहा है। वैशाली जी, आप लोकतंत्र का मीडिया चौथा स्तंभ है जी। मैं आपसे एक छोटा सा चीज पूछता हूँ कि आप मीडिया के लोग जाएं, आपको कोई सड़क पे चलते घेर के मारने लग जाए, नहीं बिल्कुल, आपके शीशे तोड़ने लग जाए, आपको गाली गलौज करने लग जाए, तो क्या करना चाहिए? नहीं बिल्कुल, मैं कह तो रही हूँ इस तरह का नहीं होना चाहिए। आंदोलनकारियों को ये क्या ये हक मिल गया है कि सड़क के रास्ते से राजनीति करके चुने हुए प्रतिनिधियों को बिल्कुल हरियाणा से बाहर निकाल दें, जो वो जो नेता है? लेकिन मेरा ये आपको मांग रखना आपका हक है, आंदोलन करना आपका हक है, किसी भी मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और से अपनी आवाज़ को उठाने का हक है, बोलने का हक है, लेकिन दूसरे का जबान कैसे बंद कर देंगे आप? नहीं लेकिन आप जब आप जानते हैं कि सामने वाला इस तरह नाराज है, गुस्से में है, आप तैश में आके कुछ बोल देते हैं तो वो गुस्सा और बढ़ जाता है। मुझे बताइए सामने वाला, इस समय तो संयम लेने का काम। मैंने जो देखा था, देवेंद्र बबली अपने बाजार के अंदर जा रहा है, सामने से एक गाड़ी उसके लगा दी, पीछे से गाड़ी लगा के शीशा तोड़ दिया, तो गलत तो हुआ है? नहीं गलत, अब उसके बाद क्या हुआ उसमें नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन एक चीज है कि आप किसी को घेर के मारोगे, घेर के तोड़ोगे, उससे आंदोलन का क्या मकसद हासिल होगा? और ये नेता बड़े खुशी खुशी, बड़े नेता जो हैं जिन्होंने हरियाणा का सत्यानाश किया था पिछले आंदोलन में यूपी से आके, बड़े खुशी खुशी कहते हैं कि मैं आ जाऊंगा। किसकी बात कर रहे हैं आप? अब उत्तर प्रदेश से जो आते हैं, भाई मुझे एक बताओ, जो उत्तर प्रदेश से नेता आते हैं वो उत्तर प्रदेश में करें ना आंदोलन, वहाँ राजनीति करें। राकेश टिकैत मतलब की बात कर रहे हैं, इतना प्रेम हमारे हरियाणा के किसानों से क्यों हो गया? नहीं, राकेश टिकैत तो बार बार कह रहे हैं कि हम हरियाणा में आके नहीं करेंगे, हमारा केंद्र दिल्ली ही रहेगा, तो अगर सरकार हमें हरियाणा भेजना चाहती है तो नहीं आएंगे। अभी भी कोई होता है, कोई टोल जाम करना है, कोई किसी का मुद्दा होता है, कुछ भी होता है, 2 घंटे की कॉल पे आ गए अपने, उसको उनको उकसा के चले जाते हैं। होता ऐसे आंदोलन में होता क्या है कि गरीब आदमी, भोला भाला किसान, उसको सफर करना पड़ता है। सुरजेवाला, अगर हम कांग्रेस की आप बात कर रहे थे,
तो मैं अब सुरजेवाला पर आती हूँ। उनके साथ पिछले दिनों हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को, गठबंधन सरकार को, सिर्फ बीजेपी नहीं, बीजेपी जेजेपी दोनों को एक साथ आरोप कटघरे में लिया और कहा कि यह आप लोगों का ही किया धरा है। जो भी आज ये प्रदेश की स्थिति है या प्रदेश जो भी देख रहा है या जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसमें सरकार की पूरी तरह से नाकामी जो है वो सामने आ गई है। वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को, किसानों की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसा है, सुरजेवाला जी अच्छे वक्ता हैं, अच्छे वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, बातें उनको अच्छी करनी आती हैं और उनका जो मेरे ख्याल में मोटिव लगता था कांग्रेस का कि किसी तरह से किसान आंदोलन में हिंसा हो, गोलीबारी हो, किसानों की जान चली जाए, तब वो कहते हैं कि हमने ठीक है डल किया, क्योंकि उनको रोटियां सेकने का मौका मिल जाता है। अब वो खुद परेशान हैं कुछ लोग कि 6 महीने हो गए, सरकार कदम पीछे खींच लेती है, सरकार किसानों से भिड़ना नहीं चाहती, सरकार किसानों से टकराना नहीं चाहती, इसलिए परेशान है वो। उनको अपनी जो मकसद है वो हासिल नहीं हो रहा है। मतलब वरना मेरी बात सुनिए, आज तक हरियाणा के अंदर कितने आंदोलन हुए, इतना लंबा आंदोलन कोई नहीं हुआ। बिल्कुल, हर आंदोलन के अंदर गोलियां चली हैं, जान माल का नुकसान हुआ है। ये हमारी सूझबूझ है या हमें आंदोलन को हैंडल करना आता है कि इतने दिनों के बाद भी हमें कदम पीछे उठने में और किसान भाइयों से हमें हाथ जोड़ने में कोई वो नहीं है, समस्या नहीं है, हम उन्हीं के बच्चे हैं। किसान भाइयों के पांव पकड़ने में हमें कोई ग्रेज नहीं है। हमें दिक्कत इन किसान नेता और कांग्रेस वालों से है जो जनता के द्वारा रिजेक्ट किए हुए हैं। और ये किसान नेता भी वो हैं, किसान नेता भी वो हैं जो जनता के द्वारा एक बार नहीं, कई कई बार रिजेक्ट किए हुए हैं। जनता ने इनकी जमानत जब्त कराई है। और लोकतंत्र के अंदर तरीका यह है, चुनी हुई सरकार को इनको अस्थिर करने का अधिकार नहीं है। चुनी हुई सरकार जवाबदेह है जनता के प्रति। बिल्कुल है। हमें जनता जब दरबार में जाएंगे, हमें रिजेक्ट कर सकती है वो। जी जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, आप कहीं ना जाइए, बने रहिए हमारे साथ। आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी या राकेश टिकैत को क्या जवाब देना चाहेंगे, जो खुले तौर पर इनको जनता बार बार इनको, नहीं आप इनको, अगर मैं बताता प्रतिनिधि हूं, सरकार ये कोई आज के नेता नहीं है। नहीं, ये दोनों नेता पिछले 20-30 साल से किसानों के नाम से शोषण कर रहे हैं, किसानों के नाम से पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। क्या दिलवा दिया किसानों को इन्होंने? गुरनाम सिंह चढ़ूनी से ये पूछा जाए, आपने नाम बताया कि 20-25 साल से आपने किसानों के हित में क्या क्या काम किया वो बताओ ना। हम जब जाते हैं जनता के बीच में, हमें बताते हैं हमने ये अच्छा काम किया, हमने गन्ने का भाव किया दिया, हमने पेंशन दी, हमने गरीबों को सिलेंडर बांटे, हमने ये चीज़ किया, आपने क्या करवाया? नहीं, आप तो सरकार में हैं सर, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आंदोलन के द्वारा आपने क्या करवाया? आपके आंदोलन से, इस आंदोलन से ये कहो कि ये हासिल करवाया, इस आंदोलन से ये हासिल करवाया। कोशिश में है कि सरकार सुन ले। वो बताएं ये मुखौटे हैं, इनका जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो रहा, और अब इसलिए ये कहीं भी जाते हैं, अंदर घुसते हैं, झगड़ा करवाते हैं, मारधाड़ करवाते हैं। और आप बैठे हो, जहाँ बैठे रहो, जहाँ जहाँ आंदोलन करते रहो। आपने जितने दिल्ली को इतने दिनों से बैठे हुए हैं, कोई रोकने तो नहीं गया वहाँ? क्या हमारी सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार कोई उनको उठाने गए? नहीं, दिल्ली के बॉर्डर पे वो तो फिर तो हमने रोका है क्या उनको? हमने तो सुविधा दी है कि वैक्सीनेशन करवा लो, टॉयलेट का प्रबंध किया, पानी का प्रबंध किया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी जो सुविधा हम दे सकते दिए, आप आंदोलन करते रहिए। लेकिन जहाँ जाएँ कि किसी कोई जनप्रतिनिधि है, कोई शादी में जा रहा है, कोई मरे हुए पर जा रहा है, किसको घेर लो? और ये बड़े खुशी से कहते हैं, पिछले दिनों बबीता फोगाट के साथ भी शर्म आनी, इससे शर्मनाक अच्छा हो ही नहीं सकता। जो देश की शान है, हमारी बेटी है जिसने मेडल लेके आया है, वो सड़क पे चलते चलते उसको घेर लिया, क्या बनाना चाहते हैं देश को ये? लेकिन इस तरह के गुस्से से तो मुझे गुस्से, सर मेरी बात सुनिए, बबीता फोगाट ने उस पर जो जवाब दिया, उन्होंने भी काफी गुस्से में उस बात का रिएक्ट किया,
तो हमें ऐसा लग रहा है कि बात तो ऐसे बिगड़ेगी और अगर इस तरह से बिगड़ने देंगे हम बात बिगाड़ना चाहते हैं ये हाँ। ये नेता जो है लेकिन आज जो दिख रहा है शनिवार को जो हो रहा है ये तो बिगड़ा हुआ जो माहौल वही दिख रहा है ना जब पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। ये चीज कहते हैं कि हम गलत काम करेंगे, हम कानून तोड़ेंगे, हम मारपीट करेंगे और कानून को काम मत करने दो, कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये तो कह रहे हो। तो फिर कौन से देश का कानून मानेगा? इस देश में हमने यही कहा है कि भाई चलो कोई आदमी करता है तो कानून तो अपना काम करेगा, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी अपना काम करेंगी, यही तो हो रहा है। तो कहते फिर नहीं कानून अपना काम नहीं करेगा। लेकिन अभी जो हालात हैं, बस मेरा आखिरी सवाल अब ये है जो मैं एक जिस निकालना चाहती हूँ, इस तरह के प्रदेश में हालात को लेकर सरकार ने अब क्या सोचा है आगे, क्या इस तरह से चलते देना है? सरकार आज भी किसानों के हित के लिए हर रोज फैसले ले रही है। आज भी हमने मेरी फसल मेरा पानी 2 लाख जो है एकड़ धान की कम करवाना है, हमने दालों की खेती करवानी है, हमने अरंड के लिए नई स्कीम बनाई है, हमने माइक्रो इरिगेशन की स्कीम बनाई है, हम सिंचाई की व्यवस्था बढ़ा रहे हैं, हम मंडियों का जाल बिछा रहे हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो कुछ करना हो करते जा रहे हैं और आम ग्रामीण इस बात को मानता है, सीधा पैसा दे के जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का पैसा सीधा किसान के खाते में जा रहा है, उसकी फसल का पैसा जो बिक्री हुई है जिसका दुष्प्रचार किया था कि मंडी टूट जाएंगे, सारी मंडी चली, सारी प्रोक्योरमेंट हुई, सारा पैसा खाते में गया। तो हमारा काम बोलेगा और हमारा मालिक कौन है? जनमानस, लोग, जिस दिन उनके हाथ में मोहर लगेगी वो फैसला करेंगे, ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? ठीक है सर, चलिए आप जैसे कह रहे हैं और हम भी अब यही चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका है, अब इसका कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए क्योंकि हर 2 दिन में जिस तरह से माहौल सामने आ रहा है। भारत सरकार ने कौन सी कमी छोड़ी है? कितनी बार दौर की मीटिंग की, सुप्रीम कोर्ट ने कानून जब हटा ही दिए, भारत सरकार ने कहा कि इसको हम पेंडिंग में छोड़ देते हैं, फिर भी निकल कुछ नहीं रहा है ना। बात तो ये निकल तो निकले तो जब इनको कुर्सी मिले वो तो जनता देगी, हम कैसे दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे कृषि मंत्री जेपी दलाल बेबाक बिंदास और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन से तो कुछ निकलने वाला नहीं है क्योंकि कानून व्यवस्था तो बनाए रखना होगा और समझना होगा। फिलहाल अब ये जनता को तय करना है, ये किसानों को तय करना है कि वो आगे क्या चाहते हैं, उनकी सरकार से क्या कुछ है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकाला जाना ज़रूरी है। अगले हफ्ते एक और मुद्दे या एक और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।